जिस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से हमें हमारा बिजनेस को चलाने के लिए, हमारे लाइफ को चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबा दास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आज मैं आपको व्हाई सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल इस विषय पर 5 स्टेप सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने पिछले कुछ सालों के डीप रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन से समझा है। अंत तक बने रहिए, मैं आपको बोनस स्टेप शेयर करने जा रहा हूँ जो गेम चेंजर साबित होगी। आइए कैसे सिस्टम काम करता है ये एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई भी दवाई हम खाते हैं या पीते हैं तो अपने शरीर के अंदर जाकर वो अपना काम करना शुरू कर देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हेल्थ एक्सपर्ट एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और हम अपेक्षित रिजल्ट, इंटेंशन, लक्ष्य हासिल कर सके। लाइफ में, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आने वाले ऑब्स्टेकल को, प्रॉब्लम्स को आसानी से जल्द बाहर निकाल पाए। आज की दुनिया में कंप्यूटर हो, मशीन हो या फिर फूड डिलीवरी क्यों ना हो, सब कुछ एक सिस्टम से कार्य करता है। मुंबई के डिब्बा डिलीवर करने वाले सिस्टम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, सिक्स सिग्मा जैसे ऊंचे संस्थान ने और कई संस्थानों ने इनको अप्रिशिएट किया है। सिस्टम में बहुत ताकत होती है, वो हमें ऊपर भी उठा सकती है, नीचे भी गिरा सकती है। गिर वही लोग सकते हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है। आइए इन्हें 5 स्टेप सिस्टम से समझते हैं। पहली स्टेप है डेवलप हैबिट सिस्टम। इन्हें 3 पॉइंट से समझते हैं। किसी भी कार्य को करने के पहले हमें पूर्व तैयारी करना, प्रिपरेशन करना बेहद जरूरी होता है। जो लोग पूर्व तैयारी करते हैं, कार्य को कॉन्फिडेंट तरीके से करते हैं और बेहतर रिजल्ट डिलीवर करते हैं। दूसरा पॉइंट है इनोवेशन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या हम उसमें इनोवेशन कर रहे हैं, काइजन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सवाल हमें हर सप्ताह खुद को पूछना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लीवरेज। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से किसी की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, लीवरेज हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, तो हमें ये समझना जरूरी है उसका प्रतिशत क्या है और उसे कब, कितना, कैसे बढ़ाएंगे, इसकी समय सीमा तय करें। जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। दूसरी स्टेप है डिलीट अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। पहली स्टेप में हमने डेवलप किया है, दूसरी स्टेप में हम डिलीट करेंगे ताकि बैलेंस बना रहेगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी के सर्वे का कहना है, जैसे जैसे दिन ढलता है हमारा मस्तिष्क थकता है और हम हमारी स्वाभाविक आदत के अनुसार ही कार्य करते जिसे हमने बरसों से अपनाया है। अलग अलग सर्वे में पाया गया है आदतें लगभग हमारे दिन को 40 से 50% प्रभावित करती है। अच्छी आदतें हमें ऊंचाई पर ले जाती है, बुरी आदतें हमारे जीवन को निचले स्तर पर ले जाती है। डिस्ट्रैक्शन अलाउ करना, जैसे काम करते वक्त सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन देखना, मल्टीटास्किंग करना, घंटों टीवी मोबाइल के सामने बैठना, हेल्थ को निग्लेक्ट करना, बहुत ज्यादा खर्च करना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना, अतिरिक्त आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही वजह है जहां लोग फेल कर जाते हैं और सिस्टम बनाया है तो वही से सिस्टम काम करना शुरू करता है। अनप्रोडक्टिव कार्य को जितनी तेजी से हम जीवन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उतनी तेजी से हम अपने जीवन के लक्ष्य और सफलता को, उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। यहाँ कीमत उसी की है जो ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी से स्केल को हासिल करता है और लक्ष्य डिलीवर करता है। दुनियादारी छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागते रहो, दुनियादारी छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागते रहो। लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा, तुम्हारा दौर आएगा। तीसरी स्टेप है डेलीगेट वर्क। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च के ये 3 पॉइंट समझेंगे तो डेलीगेट करना आसान हो जाएगा। कभी कभी होता यह है हम कोई भी काम को किसी भी व्यक्ति को सौंप देते, परिणाम स्वरूप हमें निराशा हाथ लगती है और हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। पहला पॉइंट है व्हाट टू डेलीगेट, ये तय करें कौन सा कार्य सौंपना है। दूसरा पॉइंट है जिस व्यक्ति को आप कार्य सौंप रहे क्या उसमें उतनी क्षमता है वो कार्य करने की, अगर हाँ तो आगे बढ़े, अगर नहीं तो सही व्यक्ति की तलाश करें। तीसरा पॉइंट है अगर सही व्यक्ति मिल जाता है तो डिफाइन द डिजायर आउटकम,
उस व्यक्ति के सामने बैठ के क्या पॉसिबल आउटकम होगा, यही डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए। चौथी स्टेप है डू द टॉप 3 एक्टिविटी इन अ डे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या उसमें ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं शाम को ये एहसास हो, यस मैंने आज के दिन का सही उपयोग किया है। अगर हम ऐसा कंसिस्टेंटली 90 दिनों तक ऐसा कर पाए तो हम लास्ट क्वार्टर को जीत पाएंगे। ऐसा करके धीरे धीरे हम उस साल को जीत लेंगे। ऐसे ही बनते हैं महान हस्तियां जो दिन को जीत लेते हैं और दिलों को भी जीत लेते हैं। पांचवी स्टेप है डिटैच टू अटैच। यह एक अवस्था है, जिस तरह से कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता है, उसी तरह से स्ट्रेसफुल कार्य करते वक्त या कोई भी कार्य करते वक्त उस कार्य को हम पर हावी नहीं होने देना है। उस कार्य को एंजॉय करेंगे, उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अब बोनस स्टेप, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जब तक हम किसी को जवाबदेह नहीं होते हैं तब तक निश्चित परिणाम हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें हमारे लाइफ में, बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए, परिणाम हासिल करने के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की जरूरत होती है। इसे 3 पॉइंट से समझते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसका और आपका लक्ष्य एक जैसा हो। दूसरा बिंदु है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को अपने लक्ष्य साझा करें। हर दिन या सप्ताह में एक बार आपने क्या अचीव किया है, उन्होंने क्या अचीव किया है, एक दूसरे को बताएं। तीसरा पॉइंट है समय सीमा तय करें, कब तक एक दूसरे को अकाउंटेबल रहेंगे। आइए समराइज करते हैं 5 स्टेप सिस्टम को। पहली स्टेप है डेवलप द हैबिट सिस्टम। दूसरी स्टेप है डिलीट अनप्रोडक्टिव हैबिट। तीसरी स्टेप है डेलीगेट वर्क, कामों को सौंप दे। चौथी स्टेप है डू द टॉप 3 एक्टिविटी। चौथी स्टेप है डिटैच टू अटैच और गेम चेंजर स्टेप है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिए। जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूँ आपके जैसा। धन्यवाद।